नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो भी छात्र छात्राओं ने मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम 2021 में देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उन सभी छात्र छात्राओं का यहां पर जो है प्रोत्साहन राशि कितने दिए जाएंगे, चेंज जो है यहाँ पर किया गया है, कौन कौन से छात्र छात्राओं को जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा में पास होने पर जो है प्रोत्साहन राशि मिलेंगे, और पहली से लेकर आठवीं क्लास के छात्र छात्राओं का जो है यहाँ पर कितने छात्रवृत्ति एवं पोशाक का जो है पै राशि दिए जाएंगे, और यहाँ पर नौवीं से लेकर बारहवीं क्लास के छात्र छात्राओं का जो है यहाँ पर कितने छात्रवृत्ति दिए जाएंगे और कितने पोशाक का राशि जो है दिए जाएंगे, और ये पैसा जो है कब तक आप सभी को अकाउंट में जो है भेज दिए जाएंगे, और किन किन छात्र छात्राओं का जो है यहाँ पर ये पैसा दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने साफ साफ जो है यहाँ पर कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो है सभी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण जो यहाँ पर साफ साफ जो है नोटिस को जारी कर दिया है, तो सारा जानकारी जो है इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आप लोग को देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो आप लोग अच्छे तरीका से डिटेल में समझ पाएंगे मैट्रिक इंटर दोनों छात्र छात्राओं का यहाँ पर छात्रवृत्ति एवं पोशाक का राशि जो है मिलने वाली है, कब तक जो है आप लोग का अकाउंट में चल जाएंगे सारा जानकारी जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देने वाला हूँ, तब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, बगल बेल घंटी जगह उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंची रहे, आप लोग जान सके। स्कूल बंदी के कारण शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा, 75% हाजिरी की शर्त हटी, सभी विद्यार्थियों को मिलेगी राशि। देखिए पहले क्या था कि 75% हाजिरी होने के बावजूद जो है यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं को जो है ये राशि दिया जाता था, और यहाँ पर देखिए अब जो है इस शर्त को हटा दिया गया है, 75% हाजिरी हो या नहीं हो यहाँ पर सभी को जो है ये राशि मिलेंगे। कोरोना के कारण भले ही वर्तमान 2020-21 के शैक्षिक सत्र बुरी तरह प्रभावित रहा हो, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों के विभिन्न लाभों की योजनाओं की राशि मिल सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने लाभों की योजनाओं में विद्यार्थियों की 75% हाजिरी की अनिवार्यता को इस बार के लिए हटाने का मन बनाया है। ऐसे में पहली से आठवीं तक के सभी नामांकित 1.66 करोड़ छात्र छात्राओं को पोशाक के पैसे मिलेंगे, साथ ही नौवीं के सभी विद्यार्थियों को साइकिल के पैसे, जबकि नौवीं से बारहवीं की सभी छात्राओं को पोशाक राशि मिलेगी। कितना मिलेगी ये सारा जानकारी जो है आप लोग को दूंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जो है कोरोना के कारण राज्य के सभी स्कूल 14 मार्च से बंद है, इससे पिछले साल की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा भी नहीं हुई, और बच्चे बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट हो गए हैं। 28 सितंबर से 9वीं से 12वीं की परामर्श कक्षाएं भी 30% उपस्थिति के साथ आरम्भ हुई, तो उसमें भी अनुपस्थिति की अनिवार्यता नहीं थी। ऐसे में इस साल लाभों की योजनाओं के लिए हाजिरी की आधार बनाया ही नहीं जा सकता है। शिक्षिका विभाग ने नामांकन के आधार पर लाभुक योजनाओं की राशि बच्चों के खाते में भेजने की अनुमति के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। वित्त की मंजूरी के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। यहाँ पर जो है ये जो है वित्त विभाग को जो है भेजा है, वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जो है इसे जो है मंत्रिमंडल के पास जो है भेजा जाएगा, अगर स्वीकृत कर लिए तो यहाँ पर जो है सभी छात्र छात्राओं को पहली से लेकर बारहवीं के छात्र छात्राओं के खाते में मैट्रिक इंटर सभी छात्र छात्राओं के खाते में जो है छात्रवृत्ति पोशाक की राशि जो है एवं साइकिल के पैसा जो है यहाँ पर भेज दिया जाएगा, और यहाँ पर देखिए कितने भेजा जाएगा ये भी आप लोग जान लीजिए। सरकारी स्कूल करीब 2 करोड़ नामांकित बच्चों को पहुंचाएगा लाभ, योजनाओं के लाभ के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य थी, अब तक अनिवार्य थी इसकी जो है हटा दिया गया है। 3103 करोड़ भेजे गए थे पूर्व में, आने की जो है पहले 3103 करोड़ भेजे गए थे लाभुक योजनाओं में। पिछले शैक्षिक सत्र की राशि शिक्षा विभाग ने 31 मार्च 2020 तक भेजी थी, तब प्रारंभिक कक्षाओं के करीब 1.5 करोड़ बच्चों के खाते में 3103 करोड़ भेजे गए थे। अब की यदि सभी नामांकितों की राशि दी गई तो इसका लाभ करीब 2 करोड़ बच्चों को मिलेगा, राशि भी कम से कम 1.5 गुनी हो जाएगी। देखना होगा कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने की मंजूरी मिलती है या नहीं, ये जो है मंत्रिमंडल की स्वीकृत होने के बाद ही जो है ये पता चल पाएंगे। खबर के बाद बढ़ी विभाग की सक्रियता, आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने 7 दिसंबर के अंक में लाभुक योजनाओं का पैसा नहीं मिलने को शैक्षिक सत्र के 8 माह बीते बच्चों को नहीं मिले पोशाक के पैसे शीर्षक से
प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद इस दिशा में विभाग की सक्रियता बढ़ी। नामांकित बच्चों के नाम मेघा सॉफ्ट में अपलोड किए जा रहे हैं। विभाग का दावा है कि 15 दिसंबर तक सभी बच्चों के नाम ब्यौरों के साथ दर्ज हो जाएंगे, यानी कि 15 दिसंबर तक जो है सभी का जो है यहाँ पर नाम को दर्ज कर दिए जाएंगे मेघा सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पर देखिए ये है लाभुक योजनाएं। देखिए मुख्यमंत्री बालिका इंटर प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 रुपये जो है मिलेंगे, जो भी यहाँ पर 2021 के बोर्ड परीक्षा में पास करेंगे उसको जो इंटर में 10,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं में फर्स्ट डिवीजन सामान्य एवं BC2 में 10,000 रुपये जो है मिलेंगे। यहाँ पर जो भी छात्र छात्राओं ने डॉट नॉट आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डॉट नॉट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉट नॉट पर। साथ ही डॉट नॉट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नॉट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नॉट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। में जो भी छात्र छात्राओं ने 2021 के बोर्ड परीक्षा में पास करेंगे 10,000 जो है रुपए मिलेंगे, वे जो है सामान्य एवं BC2 के जो है मिलेंगे। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 10वीं में फर्स्ट डिवीजन सामान्य एवं अल्पसंख्यक को जो है 10,000 रुपए जो है मिलेंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना का जो है 3,000 रुपए जो है मिलेंगे। ये जो है मुख्यमंत्री बालक बालिका का साइकिल का योजना जो है यहाँ पर 3,000 रुपये मिलेंगे। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना 9वीं से लेकर 12वीं की छात्राओं के लिए जो है 1500 रुपये दिए जाएंगे। ये जो है आप लोगों को पोशाक योजना की पैसा जो है 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को 1500 रुपये जो है दिए जाएंगे। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 1 से 2 के सभी छात्र छात्राओं को जो है 600 रुपए मिलेंगे, पहला से लेकर दूसरा तक के। और मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 3 से 5 तक के सभी छात्र छात्राओं को 700 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 6 से 8 के सभी छात्र छात्राओं को 1,000 रुपए जो है दिए जाएंगे पोशाक के लिए। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम 7वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को 300 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि मैट्रिक इंटर जो भी छात्र छात्राओं 7वीं से लेकर 12वीं तक है उन सभी को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो है योजना का जो यहाँ पर 7वीं से 12वीं तक के 300 रुपए दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 4 के सभी छात्र छात्राओं को जाने कि 1 से 4 क्लास के सभी छात्र छात्राओं को 600 रुपये छात्रवृत्ति दिया जाएगा। कक्षा 5 से 6 क्लास के सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना 1,000 रुपये दिए जाएंगे। और कक्षा 7 से 10 के सभी छात्र छात्राओं को जो है यहाँ पर 1,800 रुपये छात्रवृत्ति दिए जाएंगे। 7 से लेकर मैट्रिक के छात्र छात्राओं को 1,800 रुपये छात्रवृत्ति दिए जाएंगे। तो ये जो पैसा है जो है यहाँ पर आप लोग को मैं बताया हूँ कि यहाँ पर जो है वित्त विभाग को जो है ये भेजा गया है। आप लोग को पता होगा कि कोरोना वैश्विक महामारी में जो है 14 मार्च से ही सभी स्कूल कोचिंग संस्थान जो है बंद थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो बंद होने के कारण जो है सभी को जो है यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि 75% हाजिरी को भी यहाँ पर हटा दिया गया है। ये जो है वित्त विभाग को जो है भेजा गया है। वित्त की मंजूरी के बाद जो है इसे राज्य मंत्री की इस स्वीकृत के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृत कर दिया तो यहाँ पर जो सभी छात्र छात्राओं के खाते में जो है इतना पैसा जो है भेज दिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।